Saya mau pisah Diksha Bhanupriya. शहडोल में आखिर ऐसा क्या है कि वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके लौटने वाला हर रिपोर्टर यही निष्कर्ष बता रहा है कि विंध्य में भाजपा के लिए सबसे आसान यही सीट है, बावजूद इसके कि विधानसभा चुनाव में इसी संसदीय क्षेत्र से 3 सीटों के साथ कांग्रेस की थोड़ी बहुत नाक बचा कर रखी थी। रीवा शहडोल संभाग की 30 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली हैं, उसमें से 3 शहडोल संसदीय क्षेत्र की है। जाने वाली बात यह है कि ये 3 सीटें उस अनूपपुर जिले की है जो भाजपा की उम्मीदवार हिमाद्री सिंह का गृह जिला है। विधानसभा चुनाव के समय हिमाद्री कांग्रेस में थी और उनके पति नरेंद्र मरावी भाजपा के टिकट पर पुष्पराज गार्ड से उम्मीदवार थे। यद्यपि कांग्रेस में रहते हुए भी हिमाद्री ने अपने पति के पक्ष में काम किया, लेकिन नरेंद्र नहीं जीते। ये वही नरेंद्र मरावी है जो 2009 के लोकसभा चुनाव में हिमाद्री की मां राजेश नंदिनी के खिलाफ भाजपा के उम्मीदवार थे। इस चुनाव में कांग्रेस की राजेश नंदिनी अच्छे खासे मतों से जीती थी। कांग्रेस की प्रत्याशी प्रमिला सिंह जैसे नगर से भाजपा की विधायक थी। इस विधानसभा चुनाव में टिकट कट गई तो कांग्रेस में शामिल हो गई, लगे हाथ उन्हें टिकट भी मिल गया। पृष्ठभूमि कुल जमा ये है कि पति IAS है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले उमरिया कलेक्टर थे। शहडोल कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है। कमला सिंह बिसाहूलाल फुंदेलाल और LVS ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो होश संभालने के बाद से ही कांग्रेस में है, पर ये ताकते रह गए। टिकट दल बदलू को मिल गया। जयसिंह नगर विधायक के तौर पर अकर्मण्यता की वजह से भाजपा ने प्रमिला सिंह की टिकट काटी थी, लेकिन ये कांग्रेस को करमट लगी। शहडोल कभी कांग्रेस में था, पर पिछले 15 वर्षों में भाजपा ने उसका आधार छीन लिया। पुष्पराजगढ़ का इलाका दलबीर राजेश नंदिनी की वजह से थोड़ा बहुत बचा था। हिमाद्री के भाजपा में आने से वो भी अब इधर खिसकता दिख रहा है। शहडोल के पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं कि हो सकता है कि शहडोल में कांग्रेस को बड़वारा या बांधवगढ़ में कुछ सपोर्ट मिल जाए, बाकी उसकी हर जगह जमीन खिसकी हुई दिख रही है। अनूपपुर पुष्पराजगढ़ जो कांग्रेस का इलाका माना जाता था, हिमाद्री के आने के बाद वो भी बदल गया है। सुभाष कहते हैं कि दलबीर सिंह ने पूरे संसदीय क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता तैयार किए थे, आज के प्रायः कांग्रेसी उन्हीं के चेले हैं। वे भले ही कांग्रेस में हों, लेकिन सहानुभूति उनकी बेटी के साथ ही है। हिमाद्री जनजातियों के बीच रॉयल फेस राजघराने की वारिस है। इनका वनवासियों के बीच में बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। भाजपा के लिए जो इलाका कमजोर कड़ी था, वो इलाका इस बार मजबूती देगा। सवर्णों में बीच में अलबत्ता अब कांग्रेस है, वहीं भाजपा के खिलाफ मुखर है, लेकिन पोलिंग बूथ तक पहुंचते पहुंचते ये आधे रह जाएंगे। चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ चेहरा है और वनवासियों के बीच अब मोदी की वैसी ही ब्रांडिंग हो चुकी है जैसे कभी इंदिरा गांधी की थी। इस चुनाव में एक और किरदार है ज्ञान सिंह। उन्हीं की टिकट काटकर हिमाद्री को दी गई थी। शुरू में तो लगा कि वे विद्रोह करेंगे, लेकिन वक्त के साथ ठंडे पड़ते गए। अब वे घर बैठ गए हैं, न भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं और न ही खिलाफत में निकल रहे हैं। बांधवगढ़ से उनके विधायक बेटे अपने सामर्थ्य अनुसार भाजपा के लिए ही धूल धूप कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण परिवार दलपत सिंह परस्ते का है। परस्ते कभी यमुना शास्त्री के शिष्य रहे हैं। सरल सहज और परिवारवाद से दूर अपने जीते जी उन्होंने परिवार को राजनीति से बचाकर ही रखा। यद्यपि उनकी बेटी जिला पंचायत स्तर की नेता है, लेकिन इस परिवार ने ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई जिससे राजनीतिक तौर पर असहज स्थिति निर्मित हो। भाजपा के बड़े नेताओं के दौरों ने रंग जमाया है। वे प्रचार में कांग्रेस से बहुत आगे हैं। यहाँ से दौरा करके लौटने वाले प्रायः हर पत्रकार का यही निष्कर्ष है कि विंध्य में भाजपा के लिए यदि सबसे आसान कोई सीट है तो शहडोल ही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।